नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं खास खबर। छतरपुर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज टू के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख आशिया देवी, BDO रितेश कुमार सिंह, उप प्रमुख संजय कुमार, LSBA के जिला सलाहकार सुभाष कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वयक संजय कुमार आदि ने फीता काट कर किया। इस दौरान BDO रितेश कुमार सिंह ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं प्रसंस्करण को और विस्तार रूप दिया जाएगा और रोजगार उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। लोहिया ये स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन हुआ है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर जो ये जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक ये कचरा प्रबंधन इकाइयाँ बनी हैं, वहाँ से प्लास्टिक को अलग करके यहाँ पर लाया जाएगा, उसको प्रोसेस करके फिर जीविका दीदी के माध्यम से सेल किया जाएगा। इससे रोजगार को बढ़ावे में मदद मिलेगी। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार ने कहा कि ये योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना फेज टू के तहत प्लास्टिक अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई छतरपुर का आज सुपौल DDC प्रतिनिधि के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके शुरू होने से जहां तहां गंदगी नहीं रहेगा और आसपास स्वच्छ रहेगा। यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा तथा कचरा से राहत मिलेगा। रेवेन्यू जनरेट करेंगे प्रखंड स्तर पर। जो हम लोगों ने ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया है, इसका काम करेंगे, उनका रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपौल छतरपुर से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस तरह से परेशानियों उत्पन्न कर रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं, हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। साई हॉस्पिटल चुन्नी छतरपुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।